मैं थर्ड ईयर में हूँ माय नेम इज जो एंड आई एम अ फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट एट आईपीएम प्रोग्राम एंड वेरी फ्रॉम फ्रांस आई एम माय नेम इज लुला एंड आई एम आल्सो एन एक्सचेंज स्टूडेंट फ्रॉम द आईपीएम प्रोग्राम एंड आई एम आल्सो फ्रॉम फ्रांस ठीक है और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि कैंपस लाइफ कैसी है तो आई एम इंदौर की कैंपस लाइफ कैसी है अभी तक तो हमारी कैंपस लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक चल रही थी क्योंकि वी वर जस्ट हम हमें आदत हो रही थी कैंपस की मतलब बत... अच्छा ठीक है ये लोग तो थोड़े पुराने हो गए आप मुझे बताओ कि जैसे ही आप एंटर करते हो आई में ठीक है तो स्टार्टिंग के एक हफ्ते या दो हफ्ते कैसे होते हैं तो मैं पहले रह चुकी हूँ अपने आप तो मेरे लिए दिस वॉज वेरी न्यू थिंग क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली रह रही थी थेक तो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहने की आदत नहीं थी मुझे बट देर आर सो मेनी पीपल जो अभी अभी बस घर से निकले हैं वो कभी अकेले रहे नहीं है उनके लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मतलब आदत लग जाएगी उनको लग जाती है शुरू में एक महीने में दै वो फ्यू पीपल हु सेड कि हमें घर की याद आ रही है बट वो एक हफ्ते बाद उनका वैसा हो जाता है कि नहीं अच्छा हुआ हम घर से निकल गए अब, जाना। अब नहीं जाना हमें घर मेरे लिए मैं क्या हॉस्टल में रह चुकी हूँ तो दिस इज एन इवन बेटर एक्सपीरियंस अब थोड़ी और इंडिपेंडेंस है तो आप खुद से रेगुलेट करना सीखते हो पहले पहले, पहले बहुत पूरा कैंपस घूमते हैं चलो कुछ नहीं करेंगे हम पूरे दिन कैंपस ही घूमेंगे बहुत सुंदर कैंपस है बट वो फर्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा एक्लिमेटिंग में टाइम लगता है उसके क्या उसका किस तरीके से किया जाता है वो एक्मिनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो हर अलग अलग चीज़ों के लिए ओरिएंटेशन होती है जैसे टीचर्स कुछ होते हैं जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें चेयरपर्सन होते हैं अलग अलग कमिटीज़ के okay. जो रिप्रजेंटेटिवज़ हैं वो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं पूरे कैंपस से फिर कैंपस टोर वगैरह हमारे सीनियर्स भी हैं तो हमें मैंटर्स अलॉट किए जाते हैं अलग अलग से ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्या बैकग्राउंड है क्या एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर जो क्लोजेस्ट सीनियर्स होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं हमेशा अवेलेबल होते हैं कभी कोई नहीं बोलता क्या कुछ हो मत तो बहुत इजी था मतलब आई थिंक फेयरली स्मूथ प्रोसेस ऐसा कुछ खास नहीं था कि बहुत बड़ी कोई दिक्कत आई कोई था नहीं हेल्प करने नहीं। के लिए अच्छा मैं समझना ये चाह रहा हूँ ना इस सवाल पे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई एम काशीपुर में था वहाँ जब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स से तो उनका ये था कि ओ, जैसे जब आप फ्रेशली आते हो यहाँ पे तो बिल्कुल आप रॉ होते हो राइट बिल्कुल अनपॉलिश्ड होते हो तो स्टार्टिंग का जो दो हफ्ते या तीन हफ़्ते होते हैं उसमें पूरा आपका एक दिन कैसे निकलता है मतलब स्टार्टिंग के तीन हफ़्तों में आई एम फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।, right. तो है।, है तो फाउंडेशन बिल्डिंग से लोग हैं सा है तो है। तो जो सारी चीजें आप तो, तो आपको पता होगा कुछ नहीं सब फ्रेशली स्टार्ट करेंगे कोई जज नहीं कर रहा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता आप साइंस से हो तो आपको अकाउंट्स बेसिक से पढ़ाएंगे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको स्टेटिस्टिक्स भी बेसिक से पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें बाकी दूसरी चीज़ पॉलिशिंग की रही तो तो धीरे धीरे होती है पहले दो हफ्ते में इतनी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए करने के लिए कि समझ नहीं आता कि क्या जरूरी है क्या नहीं है बट आप वो धीरे धीरे रियलाइज़ करते हो कि वो जो प्रेशर भी था थोड़ा सा दो हफ्ते में सब चीज़ें साथ में हो रही होती हैं बट सब बेनिफिशियल होता है एंड में तो धीरे धीरे आदत लगती है बट वो लग जाती है ठीक है अरे स्टार्टअप का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अभी आप एम्प्लॉयबिलिटी का अगर आप डेटा देखो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का तो बहुत अलार्मिंग है राइट right? तो अभी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न है अगर आप भी रिपोर्ट्स देखते हो तो कंसर्न उनका ये है कि हमें एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिल रहे हैं और लोग इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो, जो करिकुलम आपको पढ़ाया जाता है कैंपस में और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उन दोनों में बहुत बड़ा मिसमैच है तो आई एम इंदौर ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेता है जिससे कि उस स्किल के गैप को ब्रिज किया जा सके Uh, so i'm also an ipm student okay. meera abhi last year hai, mba mm -hmm. so this is my fifth year essentially okay. and yahan pe, um, subjects if i start talking about the subjects mm -hmm. we have economics okay. but we also have like psychology okay. and like uh, for example a subject that i'm studying right now mm -hmm. it's called consumer neuroscience and neuromarketing okay. so i feel like over here the subjects are so varied mm -hmm. that you go into the depths of uh, something as Niche as neuroscience, hmm. so because of that, I feel like um, we're just exposed to so much more than just like your basic marketing, finance, and strategy courses. Okay. That um, the relevance is mm -hmm. re the relevance is like more pertinent. Okay. We have uh, a lot of research projects. Okay. We have a lot of market research projects, okay. and we have something called a social internship, mm -hmm. and we also have like a corporate internship. Okay. Once we come to MBA, mm -hmm. so you. ठीक sort of है मैं समझना ये चाहूंगा आपसे कि आई एम इंदौर ऐसे क्या इनिशियटिवस लेता है या क्या मैथडोलॉजीज को यूज़ करता है जिससे कि यहाँ के स्टूडेंट्स की एम्प्लबिलिटी इतनी हाई है तो आ, जैसा मैंने पढ़ा है कि एम्प्लॉबिलिटी का जो ट्रेंड रहा है वो ऐसा रहा है कि पहले जो थी लॉयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी लॉ बहुत लोग पढ़ रहे थे अब ये स्केल आ चुका है मैनेजमेंट की तरफ तो मैनेजमेंट की स्किल्स ही ये होती है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करो सबसे बड़ा खेल ये है अब आई एम इंदोर टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाता है ये डाल देता है हमको ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम अपने आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं और जो सीख जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे अकेडमिक्स है अकेडमिक रिगर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अब हमारे लिए हमारी लाइफ में अकेडमिक रिगर एक बहुत चीज़ बड़ी चीज़ है अब मैं आपको बताऊँ तो आ, हमारा जो क्रेडिट लोड होता है जैसे पढ़ाई का जितना सी, टाइम होता है तो हमारा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डे मान लीजिए पढ़ाई के उसमें चला जाता है फिर अभी ह्वेंटी फाइव परसेंट निकाल ले तो वो हम करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह मान लीजिए केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया उसमें कहाँ से नॉलेज यूज़ करते नॉलेज यहीं से यूज़ करते जो सिखाया गया जो फ्रेमवर्क सिखाए गए जो जो मॉडल सिखाए गए हमें वही हम यूज़ करके वहाँ जीतने की ट्राई करते हैं फिर अगर कुछ बच गया तो हम पी ओ आर देते पी ओ आर माने पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग अलग क्लब्स होते हैं कमिटीज़ होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं जैसे मान लीजिए मीडिया कमेटी हो गया सोशल इम्पैक्ट कमेटी हो गया ये सब आई आएम इंदौर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा थेके। थेके। तो इन सब चीज़ों में जब आप पार्टिसिपेट करते हो आप ऑटोमेटिकली वैसी स्किल्स सीख जाते हो कि आप एम्प्लॉयबल हो जाओ और ये आई एम इंदौर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अब मेरा इसमें एक ऑन सवाल ये होगा लेट्स से ये तो इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गए ठीक है अब एक स्टूडेंट जो मान लो कि नॉन प्रीमियम कॉलेज में पढ़ रहा है उसको अब आपने बहुत तीन साल देख लिया आपने राइट तो उसको क्या ऐसी चीज़ें आप बताओगे जो यूज़ करके अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सके मतलब क्या टिप्स दे सकते हो आप चलो इंस्टीट्यूशन में उसके यहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है ठीक है तो आप अपने लेवल पर भी कुछ चीज़ें करते हो राइट सब कुछ स्पून फीट तो आपको नहीं कराया जा रहा है तो आप क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताओगे स्टूडेंट्स को जिनसे वो अगर नॉन प्रीमियम या नॉन टीयर वन कॉलेज में भी पढ़ रहा है तो वो अपने आप को एम्प्लॉयल बना पाए तो मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ इंस्पाइट ऑफ बींगयर क्योंकि वो मुझे लगता है वो होता है जो आप ख़ुद के एफर्ट डाल रहे हो वो हो गया एक होता है कि बुक्स पढ़नी चाहिए तो अच्छी कोई भी बुक्स उठा लो फिक्शन नॉन फिक्शन जो आपका इंटरेस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन फिक्शन ही पढ़ना है बिज़नेस रिलेटेड ही पढ़ना है मुझे वो पसंद है तो मैं वो टाइप की किताबें पढ़ता हूँ एक ये हो गया रीडिंग बुक्स वो उससे आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो अलग लेवल पर पहुँच जाता है दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कुछ ऐसे कोर्सेज़ पकड़ लीजिए आप जो आप करने से वैसी स्किल्स ही सीख जाते हैं जो यहाँ पे शायद बता दी जा रही हो हमें तो कुछ कोर्सेज है कोर्सेरा वगैरह पे आप जा सकते हैं और आपको वहाँ पे मिल जाते हैं कोर्सेज़ वो पढ़ लीजिए अच्छे से उसको समझ लीजिए और एक अच्छा रेज्यूम पॉइंट भी बन जाता है आपके लिए अब एक ऐसा स्टूडेंट जो नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है तो आप उसको क्या ऐसे स्ट्रैटिज़ बताओगे जो आप ख़ुद भी यूज़ करते हो जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो पाए for starters i think a lot of the tier 2 colleges and mm -hmm. tier 3 colleges they don't have as much support when right. it comes to placements mm. and like i have a lot of friends who are like in colleges that might not be as easily accessible mm -hmm. opportunity wise as mm -hmm. i am in there. and uh, when i look at their resumes for mm -hmm. example it's usually not well structured mm -hmm. so i think Sort of exploiting LinkedIn mm -hmm. because I think a lot of IPMers, especially, we get a lot of internships through LinkedIn because okay. uh, IPMers sort of end up doing a lot of other things mm -hmm. apart from what college asks us to mm -hmm. do. So, that ways, I think LinkedIn is one thing that people can exploit mm -hmm. to access internships and okay. job opportunities but to access that you need a good resume uh -huh. you need a good cover letter uh -huh. and i think with the rise of ai ai uh -huh. is something they can uh -huh. uh, benefit from right. and help like get uh -huh. help from to abhi uh एक नॉर्मल बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम जो नॉर्मल कॉलेजेस uh, में पढ़ाए जाते हैं और यहाँ का जो बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम है उसमें क्या डिफरेंस है क्योंकि आपके फ्रेंड्स नॉन आईएएम से भी होंगे आई मीन इन माय ओपिनियन द मेजर डिफरेंस इज द वैरायटी ऑफ कोर्सेस इन मोस्ट बीबीए कॉलेजेस इट स्टिक टू अ वेरी बेसिक अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड सम डिफरेंट एक्सपर्टीज कोर्सेस जस्ट टू बिल्ड अ बेस प्रोफाइल फॉर यू इन योर अंडरग्रेजुएट कोर्स द डिफरेंस विद आईपीएम इज दैट इट डज नॉट डज नॉट होल्ड बैक एट ऑल इन व्हाट इट टीचेस यू देयर लाइक इकोनॉमिक्स देयर साइकोलॉजी देयर सोशल There's okay. calculus, there's high-level maths and sciences. We are basically being taught to adapt. Okay. The courses are not just to give us a lot of background regarding a different types of variety of you know, streams, but also gives us the ability to adapt. Okay. Uh, and which is very important in undergrad, in my opinion, is because corporate world may at the end of the day, there's a lot of things you can learn. Okay. but the major thing which makes you employable is how adaptable you are to the different situations, right. especially with ai and all these new softwares mm -hmm. coming in. there's a lot of changes constantly happening in the corporate atmosphere. Mm -hmm. and the uh, ipm course especially, mm -hmm. the way it makes you adapt with different type of we, like one day we're writing research projects, mm -hmm. next day we're doing a presentation on calculus, okay. next day we're studying about the economic theories. Okay. so there's constantly a level of uh, growth that we have to do within mm -hmm. ourselves, which is, very important in the com corporate world and thus differentiates us and makes us more employable than other colleges. Okay. I think another major misconception about IPM is mm -hmm. that they think it's a BBA plus MBA program. Okay. It's in fact like a BA plus okay. MBA program and it's a liberal arts course. Okay. Okay. So it's not your conventional BBA. Like okay. We also have subjects like drama, we learn German, we learn okay. Spanish, we learn French. Okay. And we have a lot of extracurricular activities mm -hmm. as well. So I think that's something else that makes mm -hmm. the program more holistic. Okay, okay. ठीक है आ, एक सवाल मेरा और होता है स्टूडेंट्स जब मैं नॉर्मल कॉलेज़ का रिव्यू वीडियो शूट करता हूँ तो सवाल ये होता है कि फैकल्टीज बहुत अहम रोल प्ले करती हैं राइट तो अब जब मैं पूछता हूँ कि फैकल्टीज़ कैसी हैं तो उसमें दो सवाल इंटीग्रेटेड होते हैं पहला तो ये कि फैकल्टीज़ क्या केवल उनके पास टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है या उनके पास एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट का भी तो यहाँ कैसी फैकल्टीज़ है और क्या प्रोपोर्शन होगा जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है प्लस कॉपोरेट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी है तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि फ़ैकल्टी जो है वो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम हमें इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है ताकि हम वो जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो समझ पाए और अप्लाई भी कर पाए कहीं ना कहीं पे। तो मेरे हिसाब से तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने फैकल्टी के साथ इंट्रैक्ट किया है वो सारे प्रैक्टिकल स्किल्स हमें बता देते हैं पर उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें ही ट्राई करते रहना है राइट हम जितना ट्राई करेंगे जैसे इन्होंने बताया कि इंटर्नशिप्स वगैरह में ट्राई कीजिए आप अपने तरीके से mm -hmm. आप जब ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना अप्लाई कर पाते हैं आप एंड mm -hmm. उस तरीके से होता है okay. Are you guys Uh, but in fact, uh, coming to IAM was really interesting for us because it learned us the corporate world, because we learn how to work in group or in uh, autonomous. So it's really different than what we were uh, doing in France, and uh, coming here was just uh, really uh, interesting for us. And um, all the courses are really different, uh, and we can learn a lot uh, of different things here. Uh, so it's cool. So I would like to know. I mean, what is the basic difference in the teaching methodologies in the French universities and in Indian Institute of Management? Um, I think the most important difference is that uh, in India, here in uh, IIM Indore, um, every course is approached by mathematics. Okay. Um, there is both uh, in uh, all the courses we had, mm -hmm. um, and in French is not the case. You have mathematics course and the okay. others, and you don't uh usually have mathematics in economy okay. uh, um, and you think mathematics is important yes of course okay. i think uh, mathematics is uh, important and uh, that is a uh, really a valuable thing uh, in this school mm -hmm. um, to to can uh, justify every statement by uh, mathematics uh, calculation okay. and functions mm -hmm. got it uh thoda sa serious discussion kaafi ho gaya to yahan fest अभी तक तो एक आई फाई हुआ है uh, मैं जब से आई हूँ तब से uh -huh. अभी तक आई थिंक आई फाई हुआ है सिर्फ वेरी मच फन वो थ्री थ्री डेज का था इफ आई नॉट रॉन्ग इट वाज अ थ्री डे फेस्ट बहुत सारे बाहर से वेंडर्स आए थे गेस्ट uh लेक्चर -huh. थे सब थे द कैंपस वाज फुल्ली अलाइव उसी टाइम पे तो हमारी क्लासेस वगैरह चल uh -huh. रही थी बट एटलीस्ट वो होता था कि चलो अब क्लास ख़त्म हो गई है अब uh -huh. चलते हैं अब दिस फन तो लर्निंग वगैरह साइड इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन क्योंकि

And then we have Atharv that's coming up, which okay. is an IPM run fest, okay. and that is like the cultural fest. Okay. So there you have all your dance, music, mm -hmm. drama, and all of that. And then we also have another fest called mm -hmm. Ranbhumi, okay. which is the sports fest. So mm -hmm. we have like all the sports-related mm -hmm. uh, competitions that happen. Okay. And I think these are the three fests yeah, that are happening, yeah. the major, major fests. Fest. Right. we have Eminence coming up okay. in November. Okay. okay, yeah, there's another uh -huh. fest called Utsaha. So okay. there we uh, immerse ourselves with the rural side of uh -huh. the country. and we do a lot of projects with them and we set up a lot okay. of stalls in like certain uh, smaller towns nearby uh -huh. or the villages nearby uh -huh. and that is another so like we have uh, fests for each um, uh -huh. different topic aspect okay. of like things and uh, uh, जैसे आपने बताया मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ताकि इससे भी आप वैल्यू ड्रॉ कर पाओ mm. right. Yeah, definitely. Uh, as she just said, Atharv mm -hmm. and Ranbhumi, which are the two IPM fests, mm -hmm. this time we are doing it together. Mm -hmm. uh, that is mainly to give like that's like the mainly undergrad fest. It's like mainly to give people exposure to like all the cultural side, all the management-related fests mm -hmm. like. केस कॉम्स एक साइड में होंगे mm. दूसरी साइड में डांस कॉम्पिटिशन mm. हो रहे हैं mm. उसी टाइम पे एक फुटबॉल कॉम्पिटिशन चल रहा है फील्ड mm. पे सो एवरीथिंग इज हैपनिंग टुगेदर सो दैट इज़ फॉर दैट गिव्स अस अंडर ग्रेस्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट फेस में नाउ वैन वी गो ऑन टू आर पी जी पी ईर्यस ऑल दिस कॉरपोरेट फेस्ट द रूरल फेज द एच आर फेस गिवज दस आइडियाज़ अबाउट पटिकुलर फैसेट्स ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड और यू नो मोर सोशली रिस्पांसिबल लाइ द उत्साह फेस्ट सो काइंड ऑफ इज़ लाइक द अथर रेम इज लाइक अ मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सपीरियंस एंड देन इन पी जी पी वी एंड अप गोइंग इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस विच गि लाइक वेरी पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और नीच नॉलेज अबाउट डिफरेंट कैंड ऑफ फैसेस इन कॉपोरेट लास्ट सेगमेंट में चलते हैं अभी स्टार्टअप्स का बूम है पूरे इंडिया में राइट तो यहाँ आई एम इंदौर ऐसे क्या इनिशिएटिव ले रहा है जिससे कि आई एम Uh, मतलब जो स्टार्टअप वाला पूरा क्योंकि सबको जॉब नहीं मिल सकती है राइट right? आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा तो अब जॉब क्रिएटर बनना होगा आपको ना कि जॉब सीकर। तो उस डायरेक्शन में, में क्या इनिशिएटिव्स ले तो, वी हैव एन ई सेल ऑन कैंपस दैट्स सोल पर्पस इज़ टू प्रमोट पी पीपल कैन रीच टू द ई सेल विद देयर आइडियाज़ फॉर स्टार्टअप एंड द ई सेल इज़ द बॉडी दैट इज़ सपोज टू हेल्प दैम विथ ऑल द कांड ऑल द नॉलेज दे नीड द फंडिंग दैट दे माइट नीड कि मार्केट में कैसे लेके जाए प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है आपको कहाँ हेल्प चाहिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि आपको डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए वो सब चीज़ों के लिए वी हैव एन ई सेल दैट इज देयर मतलब उसका फाउंडेशन ही यही है कि आप करो हम आपको सपोर्ट करने के लिए है

We, yeah, we have like a lot of startups, uh -huh. like especially all these uh, IPMers. I think that's the one that I'm aware uh -huh. of because I'm an IPMO. Uh -huh. But there's Univoyage and then there's like Country, which was yeah. I think funded by Google as well. Yeah, okay. Yeah. So, funding of 2 crores. Yeah. Oh, so like okay. we uh -huh. have startups and students because there's a lot of peer learning as well, uh -huh. people end up finding like-minded people uh -huh. and it's easy to uh, start. A business when you're essentially living with them twenty four. Abilities are Yeah, so like, and also you're with them all mm -hmm. the time mm -hmm. because it's a residential campus. Mm -hmm. So that way it's easier. And mm -hmm. we recently also started a wing called Invasion, mm -hmm. which is also sort of along the same lines. Okay. एडिशनल टू दैट लॉट ऑफ कोर्सेज विच आर बिंग टॉट इन द आई पी एम इट्स एल लाइक डू यो अर वेंचर स्टार्ट योर ओन बिजनेस इज बेसिकली टीचर्स हाउ टू गो अबाउट ऑन्टरप्रिनरशिप लाइक बिकॉज स्टार्ट करने का आइडिया तो है स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ आइडियाज बट दिन मेथड ऑफ हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट योर ओन बिजनेस दैट इज ऑल्सो बिंग नॉट टॉर्ट इन आर कोर्सेस जस्ट टू गिव अस अ मोर टेस्ट ऑफ ऑन्टरप्रनरशिप एंड लाइक इफ यू सी So the peer learning environment which we have—it's like someday we'll be five people sitting in the room. Mm -hmm. Next year, you'll see those five people come with a consulting firm called Infy. So that's what happens, and and that is an actual real story from our batch itself. Mm -hmm. So stuff like this, like just interacting with your peers, can also lead to business starting, and that yeah. is a story for a lot of, uh, including a lot of uh, starters just started from the Indore mm -hmm. campus itself when a you look at the uh -huh. curriculum uh, uh -huh. we also have like a lot of courses related to entrepreneurship okay. and if i'm not wrong in like our second year we have the option of going through an entrepreneurship major okay. so where all what we do essentially is uh -huh. come up with uh, a business plan like a concrete uh, holistic uh -huh. business plan uh -huh. that we can implement after a final year okay so like there are a uh -huh. lot of avenues if you want to start okay. your own business Aapko start Uh, मैं यही कहूँगा इन्होंने जैसे बताया कि ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाले uh -huh. जो कोर्सेज़ है वो और इनसे एक वही फाउंडेशन मिल जाता है आपको uh -huh. सोचने के लिए उस डेक्शन में कि अगर आगे जाके जॉब नहीं करनी है खुद का बनाना uh -huh. है बिज़नेस खुद के लिए काम करना है पैसा कमाना नहीं पैसा बनाना है uh -huh. तो फिर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओके okay. ठीक है मेरा आखिरी सवाल होगा मतलब आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं कुछ ऐसे मिथ्स होंगे जो आप लोग आए इंदौर आने से पहले आपके मन में होंगे तो ऐसे क्या मिथ्स थे और वो मिथ्स लगभग लग सबके कॉमन ही होते हैं तो वो क्या मिथ्स थे और उनकी रियलिटी क्या निकली तो मेरा ये एक मिथ रहा था कि मेरे को जब यहाँ पर भेज दिया जाएगा तब यू you नो know, मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगा लोगों के साथ अच्छा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव इन्वामेंट होगा सारे टॉपर्स आ जाएंगे तो हम एवरेज बन जाएंगे ऐसा मिथ्स था मेरे माइंड में पर यहाँ आने के बाद वही जो था मैंने जैसे बताया था आपको कि वो ग्राउंड जो है जहाँ पे कंपटीशन हो रहा है वही अगर आपको ऊपर पुश कर रहा है तो आपका फ़ायदा ही है उसमें मतलब पियर लर्निंग का इन्वायरमेंट है हाँ पियर पीयर लर्निंग का बहुत इन्वायरमेंट है मैं ये कहूँगा हेल्प विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड वैन यू आस्क फॉर इट तो आप जितना पूछेंगे लोगों से जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना लोग आपको बताएंगे और साथ साथ में ग्रो करना चाहेंगे ये मैं कहूँगा ठीक है ओके जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप लोगों ने अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड कर लिया तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या टिप्स दोगे आप जिससे कि उनका आने वाले जो भी उनके टाइम है वो स्मूथली निकल जाए आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा हाँ <laughs> so i think when you had come hmm. you probably found it really hectic in like the first two three I weeks did. especially yes. PG, uh, even when the ipmers come to mba mm -hmm. and even when the pgp guys start mm -hmm. their mba like the first month is really hectic mm -hmm. and i think uh, a lot of people are under the assumption that when you start college mm -hmm. things will happen slowly mm -hmm. like you know you'll be given time to mm -hmm. acclimatize and everything mm -hmm. but i think you should Come in with an expectation that a lot of the things are gonna happen at the same time in the uh -huh. beginning. And you need to be mentally prepared to like divide your time amongst all uh -huh. placement related activities and uh -huh. then like all of your clubs and committee selections uh -huh. will happen and then you'll have to set up your own room, figure uh -huh. out your food and uh -huh. like you have to walk a lot. I mean, tab uh like -huh. you'd have to you probably mm -hmm. had to come a long way. Right. So, and we don't have transports inside because, mm -hmm. like, it's a green campus. Mm -hmm. So we walk everywhere. So mm -hmm. you should expect a lot of walking in the beginning. So okay. these are some things that you should okay. be prepared for. Ha. I mean, definitely, in one word, if I had to uh, define the experience of mm -hmm. both IPM and I am Indore in general, it's mm -hmm. going to be a challenge. Okay. It's never going to be easy. Mm -hmm. uh, you know, standard, you talk to a lot of uh, people who go to undergrad, they're like having fun of the time mm -hmm. of their lives. You know, hum, every every weekend they're going out. You won't, you should. Students of the life. Yeah, that you, <laughs> should ex exactly. mm -hmm. you should not, exactly. You should not expect that in though it's a constant challenge on you mm -hmm. it's constantly going to hit you with X y z cub academic ek, ek academic quizzes mm -hmm. then you'll have your some selections then you'll have your placement activities mm -hmm. you know trying to do extracurricular courses on your own you will never get free time and that is exactly what is preparing us for a corporate mm -hmm. world because it will not give you easy time it will not give you any space to relax mm -hmm. but what will what it will give you is it will give you growth mm -hmm. it will grow it will make you grow as a person mm -hmm. it will uh, make you learn from your challenges learn from your mistakes Mm -hmm. and at the end of the day i feel five years or two years down the line you will not recognize yourself mm -hmm. you will become a much more changed and evolved person in my opinion mm -hmm. but i think like Ishan said although there are so many things happening mm -hmm. everyone around you is doing that mm -hmm. so because the, there's like peer that's mm -hmm. uh, peer around you that's doing the same thing mm -hmm. who are doing the same thing mm -hmm. and like they support you and because of that I feel like even though we do so much it doesn't always feel like uh, oh you don't have time or oh, you're mm -hmm. not socializing or oh, mm -hmm. you're tired all the time I feel like the peer really plays like an important role okay. in managing everything mm -hmm. that we do ठीक है हाँ आप बताओ adding on यही बोलेंगे कि day to day life में इतना कुछ कर लेते हैं but at the end of the year ही realize होता है कि you know इतना कुछ हो गया अच्छा हमने ये 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 इतना achieve कर लिया ये ये इतना कुछ कर लिया और um, हाँ मेरे हिसाब से जो कभी पहली बार कैंपस आ रहे हैं mm -hmm. तो उनके लिए बस यही होगा कि आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ फेमिलियरिटी होगा कि mm -hmm. हाँ ये ये चीज़ें तो पता है बट क्यूरियोसिटी भी साथ में रहेगी कि mm -hmm. इतना कुछ नहीं पता है तो ये जान लेते हैं mm ठीक -hmm. है एंड डू यू गाइज ऑल्सो फाइंड इट एंड हाउ डिड यू गाइज इटे having a green campus is really a thing that is enjoyable mm -hmm. uh, because it's really clean. it's mm -hmm. really uh, just enjoyable to walk uh, from a class to another. and uh, it's not that much uh, of walking. Uh, it's just uh, you need to get used to and it will <laughs> be okay. <laughs> <laughs> okay. Uh, and that's. Uh. <laughs> आई अग्री विद वॉट दे सेड आप आ रहे हो कैंपस तो सब करके सब छोड़ के आओ अगले hmm. पहले दो तीन महीने तो कुछ hmm. नहीं है आपके पास टाइम मूवी देखनी है मूवी देख के आ जाओ hmm. बुक्स पढ़नी है बुक्स पढ़ के आ जाओ hmm. यहाँ पे आगे नहीं करने hmm. मिलेगा बट पहले आपको दो तीन महीने ओवरवेलम hmm. लगेगा थोड़ा बट इट विल पुश योर बाउंड्रीज यू विल फाइंड स्ट्रेंथ

बड़ा आप बताओ आप ही स्टार्ट करो प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो होता है किस तरीके से बच्चों को ग्रूम किया जा सकता है ना? अभी प्लेसमेंट्स के स्टैट्स क्या है जरा साफ उस पर uh, uh. आप करो द एंटायर करिकुलम इज डिजाइंड टू मेक यू रेडी फॉर योर प्लेसमेंट प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है इस पॉइंट को भी ऐड करते चलो प्लेसमेंट सेल हमारे में से ही बना होता है दे आर अ स्टूडेंट रन बॉडी विद अ प्लेसमेंट चेयर एंड एन ऑफिस बट दे आर मेजरली स्टूडेंट रन आई थिंक फॉर आई पी एम ऑल्सो दिस इज द केस आई पी एम पी जी पी पी जी पी एच आर एम एनीबडी इट्स द स्टूडेंट्स हुटिंग यू द प्लेसमेंट्स दे आर द वस हुर गेटिंग यू प्लेस गेटिंग एक्सपोजर टू द यू नो द कंपनीज हु आर कमिंग टू कैंपस ऑल ऑफ दोज हमारे अभी एस ही चल रहे हैं वी आर नॉट रियली अलाउड टू टॉक अबाउट दैम टू मच बट जो पुट इट आउट देर कॉन्फिडेंस तो है कि इट विल भी नाइस सब अच्छा होगा वी यू हैड हिस्ट्री वीव सीन अन अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पीपल बींग प्लेसड फ्रॉम ह्योर और नथिंग गोइंग टू चेंज इज स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू इफ नॉट गेट बैटर आप कुछ सो प्लेसमेंट अपार्ट फ्राम वॉट प्लेस कॉम डाइक इट इज अ ग्रेट जॉब गिज सो We also have startups if someone's interested in start, uh -huh. startups. We have like the big four, we have uh -huh. finance, strategy. Uh -huh. So we have all domains that come uh -huh. to col college. But apart from that, uh, there's also a lot of help from other committees and clubs uh -huh. in preparations okay. for the uh, placement. So, okay. for example, uh, we have a club for every um, domain. For every domain, yeah. Uh -huh. So we have like a marketing club, a strategy uh -huh. club, an operations club, okay. and we have a consulting club. We uh -huh. also have a finance club. So all of these clubs, when, uh, for example, uh, their summer placement processes are happening, uh -huh. so they come out with a lot of material, a lot of um, handbooks that uh -huh. help us cover the basics that we need for our interviews and like maybe the tests that happen. Uh -huh. And then we also have like a placement preparation committee, uh -huh. which helps us specifically prepare for the interviews, group discussions, okay. and we have vendors from outside that come uh -huh. and conduct mock interviews. Uh -huh mock pis. so uh, i personally think there's like a lot of uh, help from outside and mm -hmm. from within the students okay. who put in a lot of effort to train everyone, like the whole of the batch, mm -hmm. to be ready for placements and okay. interviews. Ha. I, I mean, being from ipm, uh, we've already gone through one placement process as the social internships, mm -hmm. which happens in second year of our program. Mm -hmm. again, in that, the placement committee is made of the students mm -hmm. itself. and the placement was very similar. we get a lot of health, our, our, our resumes are constantly being, iterated, mm -hmm. constantly being improved. so it's not like you डू योर बेस्ट अगर तुम्हें आते हैं तुम अच्छा बनाओगे नहीं आते तुम गिर जाओगे एंटायर कम्यूनिटी एटायर बॉडीज आर देर जस्ट टू इंश्योर की एवरी वन हैज अ गुड रेजूमेट एवरी वन इज कॉरपोरेटी एवरी एवरी रेजूमेंट दॉपोरेट गो थो कैन सेलेक्ट दिस इज इम्प्रेसिव आई वॉन्ट दिस किड्स सो इन देंस इट्स नॉट इट्स नॉट गी अ कम्पेटिव एनवायरमेंट कि इफ यू ऑलरेडी नो यू सक्सीड एवरी वन इज हेयर टू सक्सीड दे टॉक टू सक्सीड एंड दे विल सक्सीड कॉपरेटिव एनवायर वेरी कॉपोरेटिव एनवायरमेंट ठीक है आपको और कुछ नहीं मतलब जो सीनियर्स वगैरह होते हैं जिनसे हम hmm. आइट्रेशन करवाते हैं hmm. तो वो रिकमेंडेशन देते हैं कि यू ना आपके पास अब तीन महीने बचा आपके पास चार महीने बचा आपकी इंटर्नशिप uh, के पहले आपके जॉब के पहले तो आप इन इन चीज़ों को ये ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह होते हैं जो यू you नो know, थोड़ा सा उभर के आते हैं आपके रेज्यूमे में से तो वो बता देते हैं कि ये कर लो अभी टाइम है तो इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम काफ़ी अच्छा रेज्यूमे बना लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैंपस बाहर है आपका शहर से राइट तो कैंपस लाइफ जीने में मतलब आप लोगों को ऐसा फील होता है कुछ कि यार मैनेज हो जाता है नहीं नहीं मैनेज हो, हो, हो जाता है, है। हाँ अभी तो ऐसा है कि थोड़ा सा हमारी क्लासेस इस... कम हो गई है टर्म टू में भी स्पेशली तो अभी वी हैव अ चांस टू गो आउट सी द सिटी ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड इट्स इट फार आई लव द सिटी आई हैव ओनली सीन आई थिंक टू और थ्री प्लेसेस इन इंदौर सो फार हाँ आई हैव नॉट बिन आई हैव नॉट गॉन क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ शाम को अभी वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आई थिंक फिर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी एंड अगेन आई डोंट नो आई एम होपिंग आसपास भी बहुत कुछ है इंदौर के तो जैसे हिल्स हैं पास में स्कंद सॉरी

देखिये मेरे हिसाब से आपने जो पहले इसके पहले वाला पॉइंट uh -huh. बोला कि थोड़ा सा दूर है हम सिटी से uh -huh. पर हाँ इन लोग ने कैंपस तो शिफ्ट नहीं कर सकते कैंपस तो शिफ्ट नहीं कर सकते बिल्कुल सही है पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ज़रूर अवेलेबल है और इनको थोड़ा सा बेटर बनाया जा सकता है ये एक मैं कहूँगा ठीक है इसके अलावा अकेडमिक्स पर सब कुछ ठीक है अकेडमिक्स मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है आपका इन माई ओपिनियन आर कैंपस है बिग कैंपस इन लाइक इंदौर एंड लाइक इन राव इज एरिया सो

my expectations were met very easily okay. over here so I personally don't think there is much like there's much scope uh, for sab si wala scene For me yes okay. I think for me uh -huh. I've like I've been here for five years I was expecting uh -huh. the hostels to be very bad I was uh -huh. expecting the food to be bad but after coming here the hostel rooms were uh -huh. pr very spacious but and uh, like uh, expectations have... ko aap, right uh -huh. yeah true. <laughs> that uh -huh. is also fair but like okay. all my expectations were very easily met oh okay. yeah ha, अभी तक तो आई हैव बीन फाइंडिंग एवरीथिंग वेरी नाइस हां अच्छा ठीक है ठीक है आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं फील फ्री टू रीच हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाए थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू